आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। प्रेमी और दोस्त से मिलकर पति की हत्या करवाई गई, मुकदमा 3 निर्दोष लोगों पर लिखा दिया गया। पुलिस जांच में हकीकत सामने आ गई। पुलिस ने हत्या के असली गुनहगारों को पत्नी सहित गिरफ्तार कर लिया है। मामला थाना बसौनी इलाके का है। थाना बसौली पुलिस ने 3-4 जनवरी की रात में हुए रतिराज हत्याकांड का असली खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसा बताया गया है कि पत्नी ने अपने प्रेमी ऋषिकेश और प्रेमी के दोस्त सुनील और भूरा के साथ मिलकर पति अतिराज को मौत के घाट उतरवाया था। दरअसल पुलिस ने इस मामले में तहरीर के आधार पर निर्दोष लोगों पर कार्रवाई की थी, लेकिन अब असली खुलासा किया है। देखिए, दिनांक 4 जनवरी को थाना बासौनी के लखनपुरा गांव के खेत में एक व्यक्ति अतिराज है, जो तकरीबन 40 साल की उम्र होगी, उनकी डेड बॉडी खेत में मिली थी। तत्काल हमारे सभी अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना का स्थल का मुआयना किया गया। पोस्टमार्टम पश्चातनामा की कार्रवाई की गई। मृतक के बेटे जो वादी हैं, उनके दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा गांव के ही 3 व्यक्तियों के खिलाफ लिखा गया। इस घटना की पूरी तरीके से अनावरण के लिए SP ईस्ट के नेतृत्व में CO बाह और SO की हमारी टीमें लगाई गई थी। आज इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए 3 शामिल अभियुक्त जो हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है, और घटना का जो वादी के द्वारा दिए गए तहरीर से इतर अलग जो सही मायने में क्रिमिनल थे, जिन्होंने ये घटना कारित की थी हत्या की, उन 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। 3 अभियुक्त, जिसमें मृतक की पत्नी, उनका साथी ऋषिकेश जो मृतक के परिवार से ही है, और ऋषिकेश का साथी जो ओरिजिनली तो बाह का है लेकिन दिल्ली में काम करता है, इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके निशानदेही पर मफलर और सीट बेल्ट, जिससे कि मृतक के गले घोटे गए थे, वो बरामद कर लिए गए हैं। वो वैगनार 4-व्हीलर गाड़ी जो दिल्ली से लेकर आए थे और जिसमें मृतक के शराब पिलाने के उपरांत जिसका गला घोटकर हत्या की गई थी, वो भी बरामद कर ली गई है, और मोबाइल फोन जिससे आपस में इन लोगों ने बातचीत की है, वो बरामद कर लिया गया है। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह रही कि निर्दोषों पर कार्रवाई बच गई, असली हत्यारोपी शिकंजे में आ गए, अन्यथा निर्दोषों को बिना वजह सजा भुगतनी पड़ती। पूछताछ में इन 3 अभियुक्तों ने घटना को स्वीकार किया और ये जानकारी हुई कि मृतक की पत्नी जो दूसरी पत्नी है, उनके अवैध संबंध जो है ऋषिकेश जो अभियुक्त है उससे थे। दोनों साथ साथ रहने के लिए मृतक को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, और इसलिए ऋषिकेश ने अपने साथी जो दिल्ली में रह रहा है उसके साथ मिलकर इस पूरी हत्या की जो है वो प्लानिंग करी, और उसके उपरांत जो है दिल्ली से आकर इस घटना को अंजाम दिया है। इन 3 अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस पूरी टीम ने बेहतरीन काम करते हुए 3 निर्दोष लोगों को बचाया, और जो सही दोषी हैं, अपराधी हैं, उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने इस मामले में ऋषिकेश अतिराज की पत्नी शिखा और ऋषिकेश के दोस्त सुनील और भूरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राहत भरी बात उस परिवार के लिए है, जिस परिवार के लोग निर्दोष होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई का शिकार हो गए थे। थाना बासौनी पुलिस ने रतिराम हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में 3 निर्दोषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए असली हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें मृतक की पत्नी भी शामिल है। 3 अन्य लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें जहां 3 निर्दोष लोगों को न्याय मिला है, वहीं असली हत्यारोपी भी पकड़ में आ गए हैं। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।